करारी के अमीनपुर समरोह में 64वें महापरिनिर्माण दिवस के अवसर पर भीम आर्मी कौशाम्बी के सक्रिय कार्यकर्ता के नेतृत्व में दर्जनों भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने संविधान के शिल्पकार बाबा भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण करके और भारत का संविधान की प्रस्तावना पढ़कर श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया। पूरे जिले भर में जोर शोर से बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर एक सुर में चलने का आह्वान किया। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय संविधान के रचयिता और के प्रथम कानून मंत्री के साथ आधुनिक भारत के संस्थापक भी थे। दुनिया बाबा साहब को सूर्य के नाम से जानती है। बाबा साहब को भारतीय स्कूलों कॉलेजों में न पढ़ाया जाना एक प्रकार से उनके विचारों की हत्या है। दुनिया के कई देशों के विद्यालयों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के इतिहास और संघर्षों को पढ़ाया जाता है। चिन्मयानंद स्वामी छात्रा के साथ इतनी सारी हरकतें आप लोगों ने देखी, मीडिया वालों ने दिखाया, हम पब्लिक वालों ने देखा, उसके साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उस छात्रा को जेल में डाल दिया गया। ये सरासर अन्याय है। देश की सारी बेटियों को न्याय मिलना चाहिए और इन दरिंदों को जिंदा जलाना चाहिए। तो इनकाउंटर हुआ है, मैं कह रहा हूँ उनको जिंदा जलाना चाहिए। उन्नाव रेप मामले में सर आप क्या कहना चाहेंगे? उन्नाव रेप मामले में जिस प्रकार से चार चार लोग आरोपी सामने आए हैं, सबके सब ब्राह्मण समुदाय के सामने आए हैं, इनका भी इनकाउंटर करे मोदी सरकार, योगी सरकार, तब सही मायने में न्याय हो पाएगा। आपका शुभ नाम क्या है सर? किस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया गया है? आज भारतीय संविधान निर्माता बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 64वां महापरिनिर्वाण दिवस हम लोग आज इस अमीनपुर समरोह गाँव स्थित अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण करके हम लोगों ने मनाया है। सर, जो अभी हाल ही में डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ गैंगरेप करके जिंदा जला दिया गया था और उसमें जो है तेलंगाना पुलिस ने एनकाउंटर करके खत्म कर दिया गया है, आप उन्नाव रेप मामले में क्या कहना चाहेंगे? हम हैदराबाद मामले में, प्रियंका रेड्डी मामले में तेलंगाना सरकार और हैदराबाद पुलिस को सल्यूट करते हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार को ये कहना चाहते हैं कि आज तक बहुजनों की जो बहन बेटियां जलाई गई हैं उन पर आज तक आपने कोई कार्रवाई नहीं की। अनिल सिंगर, आपका